गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीके में आज हम चैप्टर नंबर 10 नो दैट जॉब ये पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप के प्रोफेशंस के बारे में बताया गया है। आगे आपको उनके आंसर्स में उनकी जॉब के नाम लिखने हैं, वो आपको नीचे चेक बॉक्स में दिए हुए हैं। नंबर 1 पर देखिए, आई डिग अप ओल्ड रुइंस एंड स्टडी देम। मैं पुराने खंडहरों की खुदाई करके उनके बारे में स्टडी करता हूँ। मैं कौन हूँ? नंबर 1 पर है ये आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व वक्ता। ये देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे ज़मीन के नीचे बैठकर ये उसके बारे में स्टडीज़ कर रहे हैं। नंबर 2, आई डिज़ाइन हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। मैं बिल्डिंग्स और घरों की डिज़ाइंस बनाता हूँ। नंबर टू पर कौन है ये आर्किटेक्ट। जब भी किसी नए घर को बनाना होता है तो आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, जिससे कि वो सही तरीके से उसका नक्शा बना सके। नंबर 3, आई ड्रॉ द पिक्चर्स इन अ स्टोरी बुक। बच्चों, आप लोग स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं तो आपको पता है उनमें पिक्चर्स भी दी हुई थी, जिससे कि वो क्या है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये पिक्चर्स कौन ड्रॉ करता है? वो है नंबर 3 पर इलस्ट्रेटर, चित्रकार। नंबर 4, आई कार्व स्टैचूज आउट ऑफ स्टोन एंड मेटल। मैं पत्थरों और मेटल्स की मूर्तियां बनाता हूँ। मैं कौन हूँ? मूर्तिकार, स्कल्प्टर। नंबर 5, आई राइट बुक्स। आप बुक्स पढ़ते हैं तो उनके बुक्स को लिखने वाला कौन होता है? वो है ऑथर, ऑथर यानी लेखक, जिसे राइटर भी कहा जाता है। नंबर 6, आई कुक इन अ होटल। आप लोग होटल तो जाते ही हैं, वहाँ पर जो खाना बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शेफ। नंबर 7, आई डू डिफरेंट रोल्स इन प्लेज एंड फिल्म्स। बच्चों, आप लोगों को टीवी में नाटक देखना, पिक्चरें देखना बहुत पसंद है। अब उनमें जो डिफरेंट टाइप के रोल्स निभाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वो है एक्टर। नंबर 8, आई इन्वेस्टिगेट थिंग्स एंड पीपल। जब कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उनकी जांच करने के लिए किन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जो उस मामले की पूरी जांच करते हैं। ये कौन है? ये डिटेक्टिव, जासूस। नंबर 9, आई राइट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। बच्चों, आप लोग अखबार पढ़ते हैं, उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो न्यूज़ होती है, उन्हें कौन लिखता है? ये है जर्नलिस्ट, पत्रकार। लास्ट नंबर 10, आई मेक एंड सेल ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स यानी गहने। आप सब जानते हैं कि गहने क्या, कौन मम्मियाँ पहनती हैं आपकी, उनकी डिज़ाइंस आप देखते हो, तो गहने बनाने वाले और बेचने वाले को क्या कहा जाता है? वो है ज्वेलर। थैंक यू।